स्वागत है दोस्तों आप सभी का भारत दस्तक पे। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे यूपी की राजनीति की। हाँ भाई, हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा राज्य, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए गुजरता है। हम आज उस उत्तर प्रदेश यूपी की बात करने वाले हैं। क्या वहां पर बन सकता है नया समीकरण, मुस्लिम, पिछड़ा, जाट और दलितों का नया समीकरण बन सकता है क्या? तो देखते रहिए वीडियो। दोस्तों यहाँ पर मैं किस समीकरण की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ RLD समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की। जाट वोट बैंक माना जाता है RLD का। मुस्लिम और थोड़ा बहुत पिछड़ा वोट बैंक यादव वोट बैंक माना जाता है समाजवादी पार्टी का, और उसमें भी मुस्लिम मुख्य है और एक जो बड़ा हिस्सा है यादवों का, OBC का, वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता है। और दोस्तों बात करूंगा यहाँ पर मैं दलित वोट बैंक की, दलित युवाओं की। जिस प्रकार से पिछले 2 सालों में चंद्रशेखर आजाद के साइड दलित युवा मूव कर रहे हैं, उनके पाले में जा रहे हैं, और बहुत से ऐसे दलित समाज के लोग जो चंद्रशेखर आजाद जो है उनकी पार्टी कहे या भीम आर्मी कहे उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और उसको पसंद कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी तक दलित वोटों पर जो हक रहा है और दलित जिसे पसंद करते हुए आए हैं वो है सुश्री मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी। लेकिन पिछले 2 सालों की मैं बात करूंगा, 1.5 सालों की बात करूंगा, जब से चंद्रशेखर आजाद जी लाइम लाइट में आए हैं और बहुत तेजी से उभरे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी अभी वो टाइम मैगजीन में 100 दुनिया के उभरते हुए नेताओं की लिस्ट में भी आए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक बहुजन समाज का लड़का इतने ऊपर तक जाता है, देश विदेश में उसका नाम होता है। दोस्तों आप लोग ये भली बात जानते हैं, जहां पर भी पूरे देश में कहीं पर भी दलितों का उत्पीड़न होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, हमारे भाइयों के साथ हिंसा होती है, तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले व्यक्ति अगर कोई इस भारत में है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी है, और उनका संगठन भीम आर्मी सबसे पहले आवाज उठाता है और हक की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए टाइम मैगजीन ने भी चंद्रशेखर आजाद जी को 100 उभरते हुए सितारों में या फिर लीडरों में नाम दिया है, क्योंकि वो हमारे लिए स्टार ही है, हमारे लिए सितारे ही है। चंद्रशेखर भाई जो उनकी पर्सनालिटी है वो एक हमारे लिए, जो हम बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे लिए एक सितारा ही है वो। तो दोस्तों अब ये बात सामने आ रही है, गुपचुप बात है, कि समाजवादी पार्टी जो कि बहुत पुरानी पार्टी है, RLD वो भी बहुत पुरानी पार्टी है, और नए नवेली भीम आर्मी से बनी हुई आजाद समाज पार्टी क्या हाथ मिला लेगी पश्चिमी यूपी में? क्योंकि दोस्तों पश्चिमी यूपी की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुजनों के वोट का बोल बाला है। बहुजनों के वोट का कैसे बोल बाला है, आइए आपको मैं बताता हूं। यहाँ पर 20% तो दोस्तों जाट समुदाय है, और जाट समुदाय किसका वोट बैंक है, RLD का, जयंत चौधरी जी का वोट बैंक माना जाता है जाट समुदाय को। और यहाँ पर 30-40% तक मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज जो कि समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उसका एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब समाजवादी पार्टी आई थी सत्ता में तो लोग बोलते थे MY समीकरण, यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण की ये सरकार है। तो मुस्लिम एक बहुत बड़ा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का। और तीसरे वोट बैंक की बात करें जो यहाँ पर 25% से भी ज़्यादा है, वो है SC का वोट बैंक, यानी कि दलितों का वोट बैंक, जिसमें ST भी आ जाते हैं। तो गाइज 25% दलितों का, 30-40% मुसलमानों का, और 20% जाटों का वोट बैंक मिलाकर एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है, जो कि 70% से ज़्यादा वोट बैंक हो जाता है। अगर यहाँ पर जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर आजाद जी हाथ मिला लेते हैं, जैसा कि पत्रिका ने ये खबर छापी है, और एक बड़ी प्लानिंग करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख के दे सकता हूँ ये गठबंधन पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप कर जाएगा और बहुमत के साथ सीटें लेकर आ सकता है। पश्चिमी यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही समीकरण ये लोग पूरे यूपी में ले जाते हैं विधानसभा चुनाव में, तो हो सकता है कि तीनों की मिलाकर सरकार भी आ जाए। क्योंकि अभी की बात करूंगा आजाद समाज पार्टी की, क्या बोलते हैं, अभी एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, आजाद समाज पार्टी के हाजी आमीन जी एक कैंडिडेट थे, उन्होंने लड़ा था बुलंदशहर सीट का, वो चुनाव हुआ था, जहां पर नई नवेली आजाद समाज पार्टी ने 14,000 करीब वोट हासिल किए थे।
14,000 वोट, वो भी पहले सिर्फ उपचुनाव में, और उसमें ज़्यादा प्रचार भी नहीं हुआ था, ज़्यादा दिखावा भी नहीं हुआ था, नॉर्मल था, सिर्फ एक आध रोड शो हुआ था चंद्रशेखर आजाद जी का, और उसमें भी इतना इफेक्ट रहा उनका कि 14,000 से 15,000 वोट उनके जो कैंडिडेट थे आजाद समाज पार्टी के उन्होंने हासिल कर लिए। और तीसरे चौथे नंबर पर ये पार्टी रही थी, आई थिंक सो जहाँ तक मुझे पता है तीसरे नंबर पर ये पार्टी रही थी आजाद समाज पार्टी उस विधानसभा क्षेत्र में। तो मतलब यूपी में आजाद समाज पार्टी का वोट बैंक तो है, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि 14,000 वोट में 1400 वोटों की तो यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई कार्यकर्ताओं ने वोट दे दिए होंगे, 14,000 वोटों की बात कर रहा हूँ। और एक इफेक्टिव वोट बैंक होता है 14,000 वोट, और वहाँ पर उनकी जमानत भी बच गई थी, ये बड़ी बात है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर पश्चिमी यूपी में उधर साइड जाट, मुस्लिम, यादव और दलित मिल जाते हैं, इनका कुछ परसेंट वोट भी एक साथ आ जाता है ना, इनके आधे आधे परसेंटेज भी आ जाते हैं, जैसे कि 25% अगर दलित है, अगर 15% आ जाता है और 20% जाटों का आ जाता है और 15% ही मुसलमानों का आ जाता है, तो पश्चिमी यूपी में तो क्लीन स्वीप कर सकता है ये गठबंधन। तो आपको क्या लगता है, क्या ये गठबंधन बनेगा, RLD समाजवादी पार्टी और नई नवेली आजाद समाज पार्टी का ये गठबंधन बन पाएगा, और बनेगा तो कितना इफेक्टिव रहेगा पश्चिमी यूपी में और पूरे यूपी में, नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं।